इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। बीते दिनों हुए विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल अग्निकांड तो आपको याद होगा ही। जी हाँ, इस अग्निकांड के बाद देखना ये था कि आगे आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति ना हो, इसके लिए वसई विरार मनपा आयुक्त गंगाथरन क्या कुछ करेंगे। और इस कांड के बाद ऐसा लगा भी कि ऐसे गंभीर परिस्थिति को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो उपायोजनों को लागू किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं इसके आगे की क्या कुछ हकीकत सामने देखने को मिल रही है। मुद्दा नंबर एक, हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत में कुल 281 अस्पताल हैं, जिसमें से 37 अस्पताल कोविड अस्पताल हैं, जिनमें कोरोना के मरीजों को इलाज करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके बाद भी वसई विरार में ऐसे बहुत से प्राइवेट अस्पताल हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन किए कोरोना का इलाज कर रहे हैं। अब भला ऐसा तो नहीं है कि यह बात मनपा अधिकारियों से छुपी हो? इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, या तो गंगाथरन को लोगों की जान सस्ती लग रही है, या फिर सभी अधिकारी ऐसे धांधली कर अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। मुद्दा नंबर दो, विजय वल्लभ अस्पताल अग्निकांड के बाद सभी अस्पताल मानो नींद से उठ गए हों। जी हाँ, बीते दिनों मनपा ने एक प्रेस नोट जाहिर किया था कि मनपा अंतर्गत जिन अस्पतालों में फायर ऑडिट नहीं किया गया है, वे उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई भी की गई। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े अस्पताल चलाने के बाद भी मनपा को फायर सिस्टम की रिपोर्ट के लिए 3-3 नोटिस देनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। जब हमने फायर सिस्टम और ऑडिट की जानकारी वसई विरार अग्निशमन अधिकारी आलो से लेनी चाही, तो उन्होंने हमें बताया कि हॉस्पिटल को तीसरी नोटिस जा चुकी है और कार्रवाई भी शुरू है। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि इतने बड़े हादसे के बाद मनपा को 3 नोटिस देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वे तुरंत कार्रवाई करने पर क्यों नहीं आमाते हैं? हालांकि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो मनपा आयुक्त गंगाथरन के ढीले कामकाज के वजह से सिर्फ मुद्दे ही बनकर रह जाते हैं और जिसका कोई हल नहीं निकलता, जिसकी भरपाई मानो आम आदमी अपनी जान गंवाकर चला जाता है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आने वाले खबरों में हम आपको हॉस्पिटल के नाम के साथ जानकारी देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने लोगों की सेवाओं का नहीं बल्कि सिर्फ मेवाओं को खाने का ठेका लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज़, वसई विरार।